मेरा नाम है संदीप। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। गाइस आज मैं बताऊंगा कि हमारे पास एक मोबाइल है जो कि Realme का मोबाइल है, तो इसमें प्रॉब्लम है, ब्लूटूथ की प्रॉब्लम है। कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, तो हमारे पास ये MI का एयरफोन है, तो इसे हम कनेक्ट करेंगे और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। इसमें प्रॉब्लम आती है जैसे हम जो है इससे म्यूजिक बजाते हैं या कॉल लगाने, मतलब कॉल आती है तो उस पर कोई भी वॉइस सुनाई नहीं पड़ती है। और जो मतलब फ़ोन हमारा कनेक्ट तो बहुत ही आसानी से होता है, बट जो है हमारा कॉल ऑडियो जिसे कहते हैं, जैसे ये गाना सॉन्ग्स बज रहा है, ये जो है उस एयरफोन पे नहीं जा रहा है। तो इसमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आज हम। तो वीडियो तक बने, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पर हम सिंपल जाते हैं, ब्लूटूथ को मैंने किया ओपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत ही सारे ब्लूटूथ हैं। तो यहाँ पे आपको हम इसे करेंगे ओपन, MI अपनी जो एयरफोन है उसको यहाँ पे ओपन करेंगे। ये मैंने ओपन किया, ये हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे कनेक्ट कर रखा था कुछ टाइम पहले। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि हमारा जो है कनेक्ट नहीं हुआ है। ये हमारा इसका मॉडल है P47। इसको मैंने कनेक्ट किया, फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़ोन जो है कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉन्ग्स प्ले करेंगे। सॉन्ग्स प्ले करने के लिए क्या है, ये हमारा म्यूजिक है, तो यहाँ पे हम आएंगे और सॉन्ग्स प्ले करेंगे। सॉन्ग्स हमने प्ले कर दिया और अब इसे और फ़ोन को मतलब थोड़ा अगर हमारा बचता होता तो मैं आप लोगों को माइक के पास अगर करता तो कुछ तो इसमें सुनाई पड़ता। अब देख सकते हैं मैंने आपको माइक के पास इसे कर दिया है, माइक मतलब बिल्कुल मोबाइल जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसके कैमरे के पास बिल्कुल कर दिया है। जिसे इस तरीके से मैंने किया तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे अब क्या करेंगे, हम इसे एयरफोन मतलब एयरफोन करेंगे, दूसरी यहाँ पर एयरफोन लगाएंगे, आप लोगों को सुनाएंगे कि आप लोगों का तक इसका सॉन्ग जाएगा या नहीं जाएगा। वैसे यहाँ पर मैंने एयरफोन लगा दिया है, तो एयरफोन मैं इसके पास कर रहा हूँ, आप लोगों को शायद सुनाया पड़ रहा होगा इसमें। तो इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं इसमें सुनाई पड़ रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें देखो एयरफोन हमारी बज रही है, ठीक है। बट मैंने देखो एयरफोन लगा के फिर से मैं आप लोग को ब्लूटूथ चेक करा के देता हूँ। इसमें ब्लूटूथ मैंने फिर से चेक किया, ओपन किया, कनेक्ट हो गया, बट हमारा जो है ब्लूटूथ पे म्यूजिक नहीं आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं सॉन्ग्स हमारा प्ले है, सॉरी सॉन्ग्स मैंने प्ले कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई भी सॉन्ग्स नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस पर सेटिंग पे जाना है, इस पर ये आइकन दिखाई आपको पड़ रहा होगा आई बटन का, तो इस पर जाएंगे तो इस पर देखो ऑडियो फोन हमारा जो है ऑफ है, ठीक है, डिसकनेक्टेड है। तो इसे भी कनेक्टेड करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। सॉन्ग्स हमारा प्ले है, देखते हैं, इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये तीन चीज़ें होती हैं, ये तो ऑटोमेटिक कनेक्टेड रहती है क्योंकि ये हमारी है ऑडियो फ़ोन, मतलब फ़ोन जब हमारे पास कॉल आती है तो उसके लिए होती है। माइक का मतलब ये आप देख सकते हैं, इसका एरो देखो, यहाँ पे माइक वाला है, मुँह मतलब मुँह के पास जो हमारा फ़ोन है माइक आता है, उधर की आवाज़ इधर की उधर ले जाने वाला, ये है ऑडियो फ़ोन, ठीक है। ये है वीडियो, मतलब इधर जो फ़ोन में आता है वो सुनाई पड़ता है, ठीक है। ये ब्लूटूथ को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीन है तीनों वर्किंग करते हैं। अगर आपका कोई डिसेबल है तो उसे इनेबल कर दीजिए। अगर इसके बाद भी आपका फ़ोन नहीं हो रहा है तो इसको आप लोग को क्या है फ़ोन को रीसेट एक बार करके देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप रीसेट करके देख सकते हैं या कुछ सेटिंग है जो उस पर पंगा ले सकते हैं। बट इसमें जो है हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें कोई भी जो होता है, मैं आप लोग को बता दूँ, इसमें सेटिंग में जाएंगे उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, ये हमारा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसे रीसेट कर लें, यहाँ पर रीसेट कर लें, ठीक है। मुझे करना नहीं है क्योंकि मैंने कस्टमर से पूछा नहीं है, मेरी शॉप है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे फेक वीडियो देखे हैं, लेकिन उसमें कोई कुछ भी ऐसे बता रहे हैं और बहुत ज़्यादा वायरल भी पड़ी है। तो इसमें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फेक वीडियो के चक्कर में ना पड़े। और इसमें जो है अगर इस हार्ड रीसेट के बाद भी आपका फ़ोन नहीं होता है तो इसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम है, तो ब्लूटूथ की एक IC लगी होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ब्लूटूथ में IC लगी होती है स्पेशल, जैसे वाईफाई हो गया उसकी भी IC होती है,
और ब्लूटूथ हो गया, उसकी भी आईसी लगी होती है। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ हेल्पफुल आपको नॉलेज मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।